हिंद दोस्तों, मैं उमेश कुमार आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, शाम का समय था, मैं अपने दोस्तों के साथ इधर घूमने के लिए निकला था बाजार की तरफ। यहां पे मुझे एक भैया जी दिख गए जिनका स्थिति ठीक नहीं है और पैर भी ठीक नहीं है, चलने बुलने में इनको प्रॉब्लम होती है। तो ये लोगों से यहाँ पर बैठ के मांग रहे हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं, उसके बाद इनसे पूछते हैं कि इनको क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद मेरी तरफ से जो भी हो सकेगा दोस्तों हम करेंगे। तो आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया जी आपका? हाँ, संतोष। कहाँ घर हुआ आपका? यूपी। तो मतलब बचपन से आपको ये प्रॉब्लम है, मतलब चलने भूलने में ये जो हुआ है, ये कोई दुर्घटना में हुआ था या बचपन से? बचपन से ही हुआ। अच्छा अच्छा, बचपन से ही लगभग इस तरह आपका हो गया ना। तो बोलिए भैया, हम आपके लिए क्या करें, क्या सेवा करें भैया? अच्छा, तो आपको एक कंबल का जरूरत है और खाने के लिए चाह रहे हैं आप? ठीक है, तो आपको तो चलने में दिक्कत होगा, ऐसा करते हैं हम जो है कंबल खरीद के ले आते हैं और खाना जो है चावल ही खाना है कि रोटी खाना है? रोटी। तो हम पैक करा के दोनों ले आते हैं और आपको दे देते हैं, ठीक है? क्योंकि आपको चलने में दिक्कत होता है, आप कहीं मत जाइए, यहीं रहिए, ठीक है? तो हम आ रहे हैं भैया, ठीक ना, तुरंत आ रहे हैं, आप यहीं बैठे रहिए, तुरंत आ रहे हैं पैक करा के। तो दोस्तों, हम यहाँ पे आए हैं एक होटल में, तो सोचे कि सबसे पहले हम यहाँ पे खाने के लिए रोटी और सब्जी वगैरह पैक करा लेते हैं, उसके बाद कम्बल जो है उनको खरीद के दे देंगे। तो आइए यहाँ पे बात करते हैं हम इनसे। तो दोस्तों, हमारा खाना हो चुका है पैक, अब हम चलते हैं कंबल लेने के लिए। कंबल लेंगे, उसके बाद भैया जी को जाके दे देंगे। तो दोस्तों, वहां पे हमने खाना पैक करा लिया, अब हम यहां पे आए हुए हैं इस शॉप में, यहां से हम कंबल ले लेते हैं, उसके बाद जाके भैया जी को दे देंगे। तो भैया, एक कंबल हमको चाहिए, एक बड़ा सा कंबल दे दीजिए। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे खाना और कंबल लेके आ गए हैं भैया जी के पास, तो हम लोग दे देते हैं। लीजिए भैया जी, इसमें है सो रोटी है और सब्जी है, ठीक है, जैसा कि आप बोले थे, और ये रहा आपका कंबल। ठीक है, खुश है ना? तो हमको आशीर्वाद दीजिए आप पूरा। हाँ, बस हमको आशीर्वाद दीजिए आप पूरा, ठीक है, कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसमें हमको कामयाबी मिले। हम इस तरह हमेशा करते रहते हैं भैया, बस हम इस तरह हमेशा करते रहते हैं, जो भी हमको जरूरतमंद दिख जाते हैं
उनको हम अपने तरफ से जो भी होता है वो उनको देते हैं। तो आप खुश है ना भैया? चलिए तो बस आप खुश हैं तो हम लोग भी खुश हैं, बस दुआ दीजिए हम लोग को। ठीक है तो अब हम लोग चलें भैया? ठीक है चलते हैं। ठीक तो आप कहाँ रहते हैं? यहाँ पे यही रहते हैं। यही रहते हैं? अच्छा ठीक है, फिर कभी यदि मिलेंगे तो जो भी होगा हमसे हम फिर मदद करेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार कर दिए फिर मदद करेंगे, क्योंकि अभी मेरा भैया उतना कैपेसिटी नहीं है। तो हम अपने तरफ से जो किए ना है ये हम अपने तरफ से किए, तो मेरा अभी उतना कैपेसिटी नहीं है, तो क्या करें। चलिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, ठीक ना? तो फिर कुछ करेंगे आपके लिए। ठीक है भैया, ठीक है। तो दोस्तों हमसे जो हो सका हमने यहाँ पे भैया जी के लिए किया। तो बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों कि आप हमें सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि हम इस तरह जितने भी ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं सभी का एकदम बढ़ चढ़ कर हेल्प कर सके दोस्तों। और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि यदि आपके आस पास कुछ कोई ऐसा ज़रूरतमंद व्यक्ति दिख जाता है जिसे आपको लगता है कि उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, मदद की ज़रूरत है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए दोस्तों। स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिख रहा है वो मेरा ही नंबर है, आप मुझे इस नंबर पे कॉल कीजिए। यदि मुझे लगेगा कि मैं वहाँ तक जा सकता हूँ, जाने में सक्षम हूँ, तो मैं वहाँ पे जाके उनकी हेल्प ज़रूर करूँगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।